अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज का लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है हाउ टू स्टडी बीए बीकॉम बीएससी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स का यूनिट नंबर 6 है। इसके 3 पैराग्राफ हम अपलोड कर चुके हैं। 6 पैराग्राफ का यह पूरा टॉपिक है। 6 पैराग्राफ का 4th पैराग्राफ 2 सेंटेंस के ऊपर है। आज हम छोटा सा लेक्चर ये जो है पैराग्राफ नंबर 4 आपको सामने पढ़ते हैं। 2 ही सेंटेंसेस में मोस्ट ऑर्डिनरी, सेंटेंस नंबर 1 है मोस्ट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। ऑर्डिनरी मैंने मामूली यानी आम स्टूडेंट्स। मोस्ट ज़्यादातर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स फाइंड देयर ऑप्टिमम इट अबाउट 5 आवर्स आ डे ऑप्टिमम, ठीक है ना। ज़्यादातर तालिबनों को दिन में तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगता है, यानी अपनी स्टडी जो करते हैं तालिबे इल्म वो ज़्यादातर 5 घंटे के अंदर तक वो अपना पूरा हासिल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 5 घंटे ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वो नहीं वो समझ सकते, यानी वो 5 घंटे में अपने क्रैश तक पहुंच चुके होते हैं। मोस्ट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स फाइंड देयर ऑप्टिमम यानी बेहतरीन वो फाइंड कर चुके होते हैं एट अबाउट 5 आवर्स आ डे। तकरीबन एक दिन में 5 घंटे स्टडी करते हैं तो वो अपना ऑप्टिमम यानी अपने उरूज पर पहुंच चुके होते हैं। उससे ज़्यादा स्टडी करेंगे तो फिर वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा वो फिर सीख नहीं पाएंगे। 5 घंटे ज़्यादा ये ऑर्डिनरी यानी मामूली तालिबे इल्म जो होता है, आम तालिबे इल्म के लिए ही बात हो रही है। मोस्ट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स फाइंड देयर ऑप्टिमम यानी बेहतरीन, यानी जिसपे आप इसके बाद आपने नहीं पढ़ना है, यहाँ तक आप अपना जो है उरूज पर पहुँच चुके हैं, जितना हासिल करना था कर चुके हैं 5 घंटे में। एट अबाउट 5 आवर्स अ डे, एक दिन में 5 घंटे स्टडी जब करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, तो वो 5 घंटे में जितना सीख सकते हैं सीख लेते हैं, उससे आगे नहीं सीख सकते कि वो उनका ऑप्टिमम पॉइंट आ चुका होता है। सेंटेंस नंबर 2 जो कि लास्ट सेंटेंस है इसका, योर्स मे बी अ लिटिल मोर और लिटिल लेस। आपका जो है ये काम करने का जो वक्त है ज़्यादा भी हो सकता है इस 5 घंटे से और इससे कम भी हो सकता है। बट इफ़ यू गेट इन 5 आवर्स गुड वर्क अ डे, अगर आप एक दिन में 5 घंटे अच्छी तरह पढ़ाई कर लेते हैं, काम करते हैं अच्छी तरह, तो यू विल बी डूइंग वेल, तो आप अच्छा कर रहे होते हैं। यूअर्स मे बी अ लिटिल मोर और लिटिल लेस, यानी कम व बेश कह सकते हैं, लिटिल मोर और लिटिल लेस एक फ्रेज है, कम व बेश बोल सकते हैं, ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। बट इफ़ यू गेट इन 5 आवर्स गुड वर्क, लेकिन आप 5 घंटों के अंदर अच्छा काम कर लेते हैं अड्डे एक दिन में, तो यू विल बी डूइंग वेल। इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, आपका काम थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो सकता है, कम व बेश हो सकता है, लेकिन अगर आप दिन में 5 घंटे अच्छे काम मिलते हैं तो आप अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये आपका पैराग्राफ नंबर 4 हो गया है। अब हमारे पास 2 पैराग्राफ लगे हैं, पैराग्राफ 5 और पैराग्राफ 6। तो ये आपका हाउ टू स्टडी का जो यूनिट है ये मुकम्मल हो जाएगा। इम्तहान में पैराग्राफ ही आता है, कोई भी ना कोई पैराग्राफ उठाते हैं उसके हवाले से 3 पैसेज पूछते हैं, तो इसलिए अगर आप मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ आप सबक को अच्छी तरह पढ़ के समझ लें, मफहूम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इम्तहान में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बात किस चीज़ की हो रही है, आप इम्तहान में अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी पैराग्राफ नंबर 5 वाले लेक्चर में, हाउ टू स्टडी के लेक्चर नंबर 5 का। इसका लेक्चर भी हमारा नंबर 5 होगा, ये 4th लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।